सोशल साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट बिलिंग ऑफ हिस्ट्री टू 1000 ईयर्स, इसका हम पार्ट टू करेंगे। पार्ट वन में हमने देखा था हमने कि हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को किस तरह से डिवाइड किया था, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंशियंट, मेडिकल और मॉडर्न में, वो हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने ये देखा था कि हिस्ट्री को हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री को हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू मैप्स में। तो हमने ये भी देखे थे कि कौन कौन से मैप्स बनाए थे जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने कवर किया था उन्होंने। साथ ही साथ में हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से यूज ऑफ न्यू टर्मिनोलॉजीज की स्टार्ट हुई थी, जैसे कि इंडिया को काफी डिफरेंट नेम से कहा जाता था, जैसे कि भारत गणराज्य या भारत वर्ष से कहा जाता था। और साथ ही साथ में जो बाबर था उसने यूज किया था, सबसे पहले यूज हम कहते हैं हिंद, हिंद वर्ड यूज किया था उसने। तो आज हम देखेंगे, आज हम नेक्स्ट में कि अदर सोर्सेज ऑफ नोइंग हिस्ट्री, कि हिस्ट्री को हम और कौन से सोर्सेज है जहाँ से हम हिस्ट्री के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास की देखो उस टाइम क्या होता कि मेडिकल पीरियड में जितने भी हिस्टोरियंस थे या जितने भी पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो हिस्ट्री थी, जो चीजें उस टाइम जो हैपन्स हो रही थी, उन्होंने उनको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो जो किंग था उसने पॉलिटिशियंस ने अपॉइंट किए होते थे, जो कि किंग्स की जो मेल्स एंड डीड्स होती थी, जो उसकी जो उसका वर्किंग होता था, जो उसकी अचीवमेंट्स होती थी, उनको उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था उन्होंने। ये मेडिवल पीरियड के अराउंड में उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। उसके बाद में साथ ही साथ में जैसे कि उसमें फेमस है, जैसे कि एक पृथ्वीराज चौहान के टाइम में फेमस थे कि जो कोर्ट पॉइंट थे चार भाई, तो उन्होंने पृथ्वीराज राठौर पर एक बायोग्राफी लिखी थी उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में, चांद भरत ने लिखी थी, जिसको बोलते थे हम पृथ्वीराज राठौर। साथ ही साथ में हमने ये भी देखा और भी कई चीजें कि किस तरह से अदर सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, जैसे इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइंस हो गए, पेंटिंग्स हो गए, जहां से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि किस तरह से वो उस टाइम की क्या क्या चीजें हैपन थी, क्या क्या चीजें उस टाइम न्यू और ओल्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही थी। तो जो इंस्क्रिप्शन थे उसमें एक वर्ड यूज हुआ है प्रास्टी, प्रास्टी मीन्स था कि प्रेज फॉर द डीड्स डन बाय द किंग्स, मतलब जितने जो किंग्स की जो अच्छे अच्छे काम करता था उनको रिकॉर्ड करना उन्होंने शुरू कर दिया था। जो कि साथ ही साथ में जो उन्होंने काफी सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी काफी सारी चीजें बिल्ड की उन्होंने, जैसे कि उन्होंने सर्फेस स्लैब्स वाली बनाई थी, आयरन की आयरन पिलर्स उन्होंने मेक करना शुरू कर दिया उन्होंने। साथ ही साथ में उन्होंने क्या किया कि जो उनके जो फेवरेट उनके सब्जेक्ट जो उन्हें लगता था कि इसमें काफी ये पॉपुलर हो सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, एक वर्ड यूज किया प्रास्टी, जिसमें यूज करते थे प्रेज फॉर द डीड्स डन बाय द किंग्स, क्योंकि जितनी अच्छी अचीवमेंट सबको उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था उन्होंने। उसके बाद जो अदर सोर्सेस मिले हमें जैसे कि पॉइंट्स, तो कॉइंस की जो स्टडी होती है उसको न्यूमेरिस्टिक्स बोलते हैं, द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड एज न्यूमेरिस्टिक। और साथ ही साथ में जो कॉइंस जब मिंट हुए थे तो राजपूत टर्क्स और अफगान्स के टाइम में कॉइंस मिंट होना शुरू हो गए थे, जहां से कि हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट होना शुरू हो गई थी। जैसे कि कॉइंस बनाए थे गियासुद्दीन बलबान के टाइम में कॉइंस मिंट हुए थे, साथ ही साथ में जो खिलजी साहब था जो खिलजी डायनेस्टी थी जब रूल कर रही थी इंडिया में, तो उन्होंने भी काफी सारे कॉइंस उन्होंने मिंट किए उन्होंने। उसके बाद जो नेक्स्ट था, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पेंटिंग्स, तो पेंटिंग्स में क्या था कि देखो एक वर्ड है मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग्स होती है कि काफी स्मॉल पेंटिंग्स होती हैं ये, इसके बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन वहां से हम कलेक्ट कर सकते हैं। काफी स्मॉल साइज में पेंटिंग्स बनाई जाती है जैसे मिनिएचर पेंटिंग्स, और काफी बड़ी पेंटिंग्स भी इसमें बनाई जाती है, जैसे वॉल्स के ऊपर पेंटिंग बनाते थे उस टाइम, वो कॉटन के ऊपर में, क्योंकि पेपर उस टाइम इतना यूज नहीं होता था, तो उस टाइम क्या था कि कॉटन से होते थे उसके ऊपर भी ये पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे ये। तो जो ये उस टाइम मेडिकल पीरियड में जो पेंटिंग्स वाली आर्ट थी काफी फ्लरिश हुई थी, काफी फ्लरिश हो गई है। और जो मैक्सिमम टाइम जो मैक्सिमम जिनकी जेनेसिस में ये फ्लरिश हुई पेंटिंग्स मुगल्स और राजपूत के टाइम्स में काफी फ्लरिश हुई पेंटिंग्स, जो कि एक अहम एग्जीक्यूटिव आर्ट ऑफ फॉर्म उस टाइम कहलाई जाने लगी। इसमें काफी सारे विविध कलर्स थे, काफी यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने, काफी नेचुरल कलर्स भी उन्होंने यूज करना शुरू किए उन्होंने। और जो ये पेंटिंग्स होती थी जो मिनिएचर पेंटिंग्स होती थी काफी ये ब्यूटीफुल होती थी, उसमें काफी सारी चीजें ये शो करते थे, जैसे कि आपने पेंटिंग्स देखी जैसे कि जो हमारे गॉड थे कृष्ण भगवान, तो उनके टाइम में भी काफी सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो साथ ही साथ में जो डीड्स थी वो जैसे कि रामायण महाभारत में भी जो उनकी रामायण महाभारत की पेंटिंग्स भी अवेलेबल है हमारे पास, जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ में उसके बाद इसमें काफी सारे विविध कलर्स यूज होते थे जैसे नेचुरल फॉर्म के जो कलर थे। साथ ही साथ में जो अदर सोर्सेस में स्क्राइब्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, देखो मैन्युस्क्रिप्ट होता है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट को हिंदी में कहते हैं हस्तलिपि, तो मींस कि हैंड के द्वारा रिटन कोई भी स्क्रिप्ट हो तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे कि अल-हुनी था, उसने अपने टाइम में एक बुक लिखी थी किताबें अल-हिंद,
जिसमें इंडिया के बारे में काफी सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की थी उन्हें, उसमें उन्होंने कहा था कि जो इंडिया कंट्री है वो इज अ फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्वेलर्स, काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं उसमें, काफी टाइप्स के शुगर केन्स हैं, और काफी जो प्लेसेंट जो एनवायरनमेंट है इंडिया का उसने किताब वाली में अलबूनी ने लिखा था। साथ ही साथ में तबाकत अल नैसरी ने मीनास उसरान ने बुक लिखी तबाकत अल नैसरी। इसमें क्या था कि इसमें जो कॉन्टोर्स थे मोहम्मद गोरी के जितने कॉन्टोर्स थे इस बुक में अवेलेबल है वो, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि उस टाइम के जो पीपल्स थे वो किस तरह से वो काम करते थे और क्या क्या चीजें उनके टाइम में हैपन होती थी। मेन उनका यही था कि उन्होंने जो चीजें वो हैपन हो रही थी उस टाइम में उन्होंने उनको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था उन्होंने। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो हमारा इमरजेंस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, कि उस टाइम में कौन कौन से ऐसे नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप थे जो कि काफी इमर्ज हुए हुए। तो जो सबसे पहले इसमें न्यू इन्वेंशंस पॉलिटिकल ग्रुप और सोशल ग्रुप, तो न्यू इन्वेंशंस में क्या इन्वेंशन हुई कि उस टाइम में जब मुगल्स का टाइम चल रहा था तो उस टाइम में एक चीज इन्वेंट हुई जिसको कहा गया पर्शियन व्हील, ठीक है। तो जो पर्शियन व्हील था ये, तो साथ ही साथ में पर्शियन व्हील और तोप की इन्वेंशन हुई थी उस टाइम में, जो कि काफी हेल्पफुल हुई उस टाइम के लिए। जो ये पर्शियन जो व्हील था उसमें क्या था, ये जब इसकी इन्वेंशन होती है तो जो इरिगेशन की जो फैसिलिटी थी उसमें काफी सारी चीजें इंक्रीज हुई, जिससे कि जो क्रॉप प्रोडक्शन थी उसमें भी काफी सारी डेवलपमेंट हुई, काफी क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुई। और साथ ही साथ में जो टॉप जिसको भी टॉप और कैनन कहते थे, ये मुगल्स और राजपूत के टाइम से हुई थी, ये इन्वेंट हुई थी। तो टॉप और से क्या होता था कि जैसे पहले की जो वॉर्स होती थी उसमें मैक्सिमम जो फाइट होती थी वो स्वॉर्ड से फाइट होती थी, तो उसमें क्या कि मैक्सिमम कितने बंदे किल कर सकते हैं साथ साथ में, कितने पर्सन को किल कर सकते हैं, 2 या 3 को वन स्वॉर्ड से। लेकिन टॉप से क्या था कि 20 से 25 या 50-60 तक जो पीपल्स थे एक साथ में वो किल हो सकते थे। और जो पर्शियन व्हील था, पर्शियन व्हील से क्या इरिगेशन में ये काफी हेल्पफुल हुआ, और जो प्रोडक्शन थी जो क्रॉप की कल्टीवेशन थी काफी वो इंक्रीज हुई। और साथ ही साथ में काफी टाइप्स की जो न्यू इन्वेंशन में काफी टाइप्स की ड्रेसेस हुई, फूड हुए, बेवरेज हुए, जैसे कि टू टाइप्स के हम आज भी यूज करते हैं फूड, जैसे कि मूंग नदी और लखनऊ, ये आज भी काफी फेमस है कि उस तरह का फूड हमें लेना है हमें। साथ ही साथ में जो पॉलिटिकल ग्रुप्स भी काफी इमर्ज हुए, जिसमें कि हमारे पास राजपूत, मराठा, ऐसे बहुत सारे थे, जट्स भी थे उसमें, सिख्स भी थे उसमें, साथ ही साथ में खाइस्ट भी थे उसमें। और तो जो जो सिख होते हैं, उनका जो सिख्स होते हैं उनका मेन एम होता है कि हमने बस जो मुगल्स एम्परर है उनके साथ फाइट करनी है, उनके साथ हमने वॉर ही करनी है, उनके साथ में बस वो यही चाहते थे सिख्स वाले, जो कि गुरु नानक गुरु थे उन्होंने सिखिज्म लाया था हमने, तो उनका मेन एम यही था कि हमने मुगल्स के साथ हमने फाइट करना, उनको इंडिया से हमने भगा देना हमने को। तो जो और चीज जो ये राजपूत थे ये कहते थे कि हम डिसेंडेंट्स हैं, हम किसके एंशियंट क्षत्रिय जो क्लैन है उसके हम डिसेंडेंट्स हैं हम। और मराठा से ये ऐसे सिंधिया वगैरह में राज करते थे, जो इन्होंने ये चीफ्स अपॉइंट किए थे मराठा में, तो बाद में ये मर्ज होते हैं सारे, उनके एक ग्रुप बनाते हैं और उनका जो मेन हेड सेंटर होता है वो पुणे में होता है मराठा का, तो वैसे ही राउंड थे। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो सोशल ग्रुप में कौन से एक नए ग्रुप इमर्ज होते हैं, जो कि कायस थे। और इसमें यूज हुआ जेटी पंजाब, ये क्या था कि ये जो ये कायस थे ये इतने जल्दी के डेवलप हो जाते हैं कि किसी भी किंग के इन्होंने कैबिनेट में इन्होंने अपना स्पेस ये बना लेते हैं, काफी ये फेमस हो जाते हैं और न्यू टाइप्स की इरिगेशन टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। और ये क्या होता है कि कायस ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट करते हैं, वहां जाकर असेंबलीज बनाते हैं, पंचायत में जो विलेजेस होती है जो कि असेंबलीज बनाई होती है उसमें ये वर्क करते हैं, और जो रूल ऑफ विलेजेस होते हैं उनको उनके साथ ही रहते हैं, जो वो लोग विलेजेस जो लोगों ने बनाए होते हैं, जो कि उस टाइम की जो विलेज असेंबलीज थी जितने भी वेल्थी पीपल होते थे वही असेंबलीज बनाते थे, तो उसी में काफी ये फेमस ये अपना ये रोल प्ले करते हैं, ये काफी फेमस हो जाते हैं। और साथ ही साथ में ये बीच में एक वॉर हो रहा है जैसे कि जो थे गुज्जर्स, तो गुज्जर्स भी बिकम काफी प्रोमिनेंट हो जाते हैं इस टाइम में ये। और उसके बाद हम देखेंगे हम कि नेशनल इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स में, तो इसमें कौन कौन से रीजन और एम्पायर जो इमर्ज होते हैं, और लैंग्वेज कौन सी आती है, और कौन कौन सी लैंग्वेज आती है हम देखते हैं अभी। तो जैसे कि हम जो रीजन थे, जैसे कि जब बलवान की एंट्री होती है जब इंडिया में, तो ये जो बलवान था वो अफगानिस्तान से आता है, जिसको जो एक जगह का नाम था गाजी, वहां से आता है ये। तो ये जो कि अपने जो उसका एम्पायर होता है ये बंगाल से लेकर वेस्ट तक एक्सटेंड करता है, और साउथ से नॉर्थ तक वेस्ट करता है ये, तो मैक्सिमम जो मेजर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया का तो इनको ये कवर नहीं कर पाता है, तो मैक्सिमम ये सेंटर तक ही रहता है इंडिया में। ग्यासुद्दीन बलवान
साथ ही साथ में देखो इसकी एमर्जेंस सब होती है जबकि एंशियंट जब एंड होता है, जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर की होती है, और साथ ही साथ में फिर राजपूत जो क्लैंस होते हैं वो मर्ज होते हैं, फिर राजपूत के बाद एडवेंट ऑफ टार्च होता था इंडिया में, और साथ ही साथ में उसके बाद क्या होता है कि जो मुगल्स होते हैं उनकी जो 18th सेंचुरी में उनकी डिसइंटीग्रेशन जाती है, फिर ब्रिटिश आ जाते हैं उसके बाद में। तो इस तरह से हमारे रीजन और एम्पायर जो टेनेसी जो रूल जब चलती थी कि जो एंशियंट पीरियड है हमारा वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ पर्शियन एम्पायर से खत्म होता है, और जो हमारा मेडिवल है वो मुगल से स्टार्ट होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल्स तक वो एंड होता है हमारा मेडिवल पीरियड। और मॉडर्न पीरियड जो है वो होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन जब यूरोप में स्टार्ट होती है, उस टाइम के लिए मॉडर्न पीरियड हमारे की शुरुआत हो जाती है। साथ ही साथ में उस टाइम में काफी सारी जो लैंग्वेज हो रही रीजन से काफी इमर्ज हुए, जो लैंग्वेज मेन थी वो थी हिंदी। ये हिंदी भी एक टाइप की लैंग्वेज थी जो कि हिंदी और पर्शियन को मिलकर बनी थी, जो कि हिंदी के लाए, और जो पर्शियन लैंग्वेज थी ये उस टाइम मैग्रिब क्रिएट में ये गॉड लैंग्वेज बन जाती है। ये दिल्ली और जो मुगल्स होते हैं जहां जहां का एम्पायर होता है वहां पर इसकी जो लैंग्वेज होती है पर्शियन, ये अपनी गॉड की इसको पर्शियन की गॉड लैंग्वेज अपनी ये बना लेते हैं इसको। फिर साथ ही साथ में क्या होता है कि इमरजेंस होती है किसके, न्यू रिलीजन्स की इमरजेंस होती है, उसमें की सबसे फर्स्ट है रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म। तो क्या होता है कि जो ब्राह्मण्स होते हैं ये इतने सारे पावरफुल हो जाते हैं, ये इतने पॉलिटिकल ग्रुप में ये बिल्कुल से जितने भी किंग्स होते हैं उनकी कैपिटल में जाकर बैठ जाते हैं, जितने डिसीजन होते हैं ब्राह्मीज की तरफ से किंग्स लेता है, और नए न्यू न्यू ये तरीके से लेकर न्यू न्यू इन्वेंशन लाते हैं कि किस तरह से हमने गॉड की हमने भक्ति करनी है। ये काफी पॉलिटिकल ये फेमस इसलिए हो जाती है क्योंकि इनको काफी सारी इनको नॉलेज होती है किसकी, संस्कृत और जो क्लासिकल टेक्स्ट होते हैं इनको काफी नॉलेज होती है उस चीज, इसलिए ये जो पीपल्स में काफी ये काफी पॉपुलर हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद नेक्स्ट शुरुआत हो जाती है भक्ति मूवमेंट की। तो भक्ति मूवमेंट में काफी सारे ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने इस भक्ति मूवमेंट को काफी इन्होंने एनहेंस किया उन्होंने, जैसे कि कबीर थे, मेरा भाई तुलसीदास थे, तुकाराम थे, तो इन्होंने भक्ति को ऐसे प्रमोट किया स्पिरिचुअलिटी में कि अगर आप भक्ति करेंगे आप तो आप गॉड को आप स्पिरिचुअलिटी आप हासिल कर सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ में जो ये जो भक्ति मूवमेंट आता है तो काफी सारे नए तरीके से लेकर आते हैं ये गॉड गॉड की ये भक्ति करने के नए नए तरीके जाते हैं, इसमें काफी फेमस हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है न्यू रिलीजन में एडवेंट ऑफ इस्लाम। जब एडवेंट ऑफ टर्क्स सब इंडिया में एंटर करते हैं ये मुस्लिम जी, तो इनकी जो होली बुक होती है कुरान, तो पहले देखते हैं हम कि जो मुस्लिम्स हैं तो जैसे कि हमारे हिंदू रिलीजन में जैसे हमारी कास्ट बनाई गई है जैसे ब्राह्मीण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र और वैश्य हैं, वैसे वैसे इस्लाम में सिर्फ टू ही टू टाइप्स ऑफ डिवाइड है, जो कि दो कास्ट हैं सुन्नी और शियास, और इसी में ये सूफीज्म आता है। सूफीज्म जब वर्ड आता है ये काफी पॉपुलर हो जाता है लोगों में, और काफी सारे ऐसे हिंदू और काफी सारे अदर रिलीजन के लोग होते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं मुस्लिम्स में। हम ये देखते हैं कि सुन्नी और शिया में क्या डिफरेंस है, तो जो सुन्नी है वो बिलीव करते हैं, वो जो सेक्ट है वो बिलीव करता है अली, अली कौन था, अली इज द सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, तो उनको लगता था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो लेजिटिमेट लीडर है वो अली है, और अली कौन है, मोहम्मद प्रॉफिट का सन इन लॉ। और जो शिया वाले हैं सॉरी ऐसे है कि जो मैंने अभी आपको बताया मैंने, तो जो शिया सेक्ट है वो बिलीव करते हैं अली में, ओके अली कौन है, जो सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद ही इज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, तो शिया वाले बिलीव करते हैं अली में कि वो सन इन लॉ है किसका, प्रॉफिट मोहम्मद का, और वो लेजिटिमेट लीडर है मुस्लिम कम्युनिटी का। और जो सुन्नीज हैं वो फॉलो करते हैं ट्रेडिशन, जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो ट्रेडिशंस हैं सुन्नीज वाले वो उसको फॉलो करते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं कि जो सुन्नीज हैं तो वो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं किसके, मोहम्मद प्रॉफिट के, वो जितने भी ट्रेडिशन उनको भी फॉलो करते हैं सुन्नीज, और जो शियाज हैं ये फॉलो करते हैं अली को, अली कौन है, सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, उनको लगता था कि जो अली है वो लेजिटिमेट लीडर है इसका मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी का। तो इसी के दौरान क्या होता है कि जो नया वर्ड आता है न्यू फॉर्म ऑफ सूफीज्म आता है, तो सूफीज्म में क्या होता है कि एक नए तरीके दिए गॉड की भक्ति करने के लिए, और ये काफी उसमें कहा गया था कि जो गॉड है गॉड इज द ओनली फोर्स विच यूनाइट द ऑल ह्यूमन बींग्स, मतलब कि सब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं तो जो गॉड है जो अल्लाह है वो सबको यूनाइट करके रखता है, और ये बिलीव करता है कि सब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ऑल आर इक्वल, इसलिए जो सूफीज्म वर्ड है ये काफी फेमस हो जाता है, लोग काफी सारे रिलीजन में इस मुस्लिम रिलीजन में काफी कन्वर्ट होते हैं। इसमें मेन यही था कि ये चाहते हैं कि जो गॉड है जो हमारा अल्लाह है वो पूरे ह्यूमन बींग्स को यूनाइट करता है, और ट्रीटेड एज सब ह्यूमन बींग्स को इक्वली ट्रीट करता है। तो
तो इसमें मैक्सिम यही था। और फिर आपने ये याद रखना कि ब्राह्मणिज्म, तो ये नए फॉर्म्स आते हैं ब्राह्मण से, ये लोगों के बीच में इसलिए पॉपुलर हो जाते हैं क्योंकि इनको काफी सारे नॉलेज होती है, इनको जो ओल्ड टेक्स्ट होते हैं, जो क्लासिकल टेक्स्ट होते हैं, काफी सारे संस्कृत लैंग्वेज के जो जितने क्लासिकल टेक्स्ट होते हैं ओल्ड वाले, इनको काफी इनको नॉलेज होती है। और भक्ति मूवमेंट काफी सारे सेंट्स आए थे जैसे कि मीराबाई, कबीर, तुलसीदास, ये फेमस रहते हैं और ये काफी सारे नए नए तरीके लेकर आते हैं ये गौर की भक्ति करने के। जब एडमिट ऑफ इस्लाम होता है तो ये जो मुस्लिम मुस्लिम्स होते हैं ये काफी फेमस होते हैं, लोग काफी सारे कन्वर्ट होते हैं इसमें। क्यों? सूफीज्म की वजह से, क्योंकि उस टाइम जो हमारा रिलीजन था, जो हिंदू रिलीजन था, वो पार्ट्स में डिवाइड था, मींस कि वो क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र और वैश्य में डिवाइड था। तो उसमें उस टाइम काफी सारे कास्टिज्म चलता था, उनको लगता था कि शूद्र है वो किसी भी हमेशा बिल्कुल लोअर कास्ट के हैं, बिल्कुल निचली जाति के हैं, तो उनको क्षत्रिय के साथ वो बैठ नहीं सकते थे। लेकिन जब मुस्लिम्स आते हैं तो उसमें सिर्फ टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे, सुन्नी और शियाज में, जैसे मैंने आपको बताया। इसलिए काफी जो मुस्लिम कम्युनिटी में काफी सारे जितने भी मैक्सिमम पीपल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं। आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।